हम यहाँ पर जो संगीत की प्रस्तुति कर रहे हैं उसमें जो वाजिंत्र बजाने वाले हैं उनका परिचय ले रहा हूँ। सबसे पहले तबला, जो पखावज के दो भाग करके बनाए गए थे उसको तबला कहते हैं। उसके बाद जो वाजिंत्र है, सीता सरस्वती देवी की आप मूर्ति देखते हैं उसमें सरस्वती देवी वीणा बजाते हैं, उसके ऊपर से ही बना हुआ वाजिंत्र यानी सितार। उसके बाजू में वायोलिन, जिसको भारतीय परंपरा में रावण हत्ता नाम दिया गया था, उसका मॉडर्न स्वरूप आज देखने को मिलता है वायोलिन। इसमें हम भारतीय ही राग बजाते हैं। इसके हाथ में फ्लूट, जिसको बोलते हैं बांसुरी, सबसे मधुर वाजिंत्र जिसको कहा जाता है बांसुरी। उसके बाद संतूर, जिसको कश्मीरी वीणा कहते हैं, भारतीय नाम उसका सततंत्री वीणा भी है, जिसमें 100 तार है और बहुत ध्यानपूर्वक बजाने पड़ते हैं। उसके बाद जल तरंग, जो आमतौर से चिनाई माटी के बनते हैं, गुरुकुलम में अपने खर्च से इसको कांस्य धातु में बनाया है, 1.5 लाख के खर्च में इसके ये बनाया गया है, जिसे पानी भर के सूर मिला के बजाने में आता है जल तरंग। और पीछे तानपुरा, जो गायन के साथ हर बार होता है उसको तानपुरा कहते हैं। और हम आपके सामने राग हंसध्वनि पेश कर रहे हैं राग त्रिताल ताल त्रिताल में। ये इस विद्यार्थी के हाथ में दो वाद्य दिए गए हैं, बांसुरी भी यही बजाएगा। बांसुरी भी बजाने वाला विद्यार्थी आज नहीं है, इसलिए वो भी यही बजाएगा। ये विद्यार्थी सभी वाद्य बजा सकता है। कोई भी लड़का हाजिर नहीं है, बीमार है, तो उसकी जगह वो बजा देगा। Yeah.